नमस्कार आदाब, न्यूज क्लिक के डेली राउंडअप में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दिल्ली में रह रहे अफगान रिफ्यूजीज का प्रदर्शन, इंदौर में नाम पूछकर मुस्लिम चूड़ी वाले को पीटा, भारी बवाल के बाद मामला दर्ज। जलवायु परिवर्तन बेलगाम, विकास से बर्बाद होता इकोसिस्टम। एल्गार परिषद मामला, एनआईए ने ड्राफ्ट चार्ज में लगाए देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप। और आखिर में कोरोना अपडेट, देश में 24 घंटों में 25,072 नए मामले, 379 मरीजों की मौत। अफगानिस्तान पर 20 साल बाद फिर से तालिबान का शासन शुरू हो गया है। तालिबान का कब्जा होते ही लोग वहां से किसी भी कीमत पर निकलने की कोशिश में जुट गए हैं। इस बीच दिल्ली में रह रहे अफगान शरणार्थियों ने आज दिल्ली में स्थित यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज यानी UNHCR के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ये लोग वे लोग हैं जो कई सालों से भारत में रह रहे हैं और जिन्हें भारत में रहने के लिए UNHCR की ओर से एक रेफ्यूजी कार्ड दिया गया है। लेकिन इन प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कार्ड से ना तो वो भारत में कोई कारोबार कर सकते हैं और ना ही उनके बच्चों का किसी स्कूल या कॉलेज में एडमिशन हो पाता है। देखिए न्यूज क्लिक की एक ग्राउंड रिपोर्ट। खाना पीना का पैसा नहीं है और घर के किराया नहीं है, पैसा नहीं है। अफगानिस्तान से बेल आता था कुछ घर के किराया, कुछ खर्चा मर्चा भी सब बंद हो गए। और इधर UNHCR ऑफिस हमारा रिफ्यूजी का हालत भी नहीं पूछता है, तुम किस हालत में? UNHCR के ऑफिस के रिक्वेस्ट करने मेरी रिफ्यूजी कार्ड देना है, 4 साल हो गया मेरा रिफ्यूजी कार्ड नहीं दे रहा है। मुश्किल इंडिया बहुत ज़्यादा है, मेरा हस्बैंड बीमार है, वो पैरालाइज है, बाहरी बदन फर्ज है। वो मेरे एक छोटा बच्चे थे 12 साल है, वो काम करे इंडिया पे, मेरा बहुत मुश्किल है, मुश्किल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैं UNHCR के रिक्वेस्ट करना है सिर्फ रिफ्यूजी कार्ड मेरे देना है। इधर इंडिया में सिर्फ जिम्मेदारी जो गारंटी लेता है UNHCR ऑफिस, वो है कि रिफ्यूजी का गारंटी लेता है बस, और कोई इंडिया गवर्नमेंट तरफ मेरे कोई हेल्प नहीं मिलता है। और बार बार हम जो इधर आता है ये गेट बंद है, अगर फोन नंबर देता है इसमें फ़ोन करो, अगर महीनों पूरा फ़ोन करेगा वो बिजी है या अलाउड नहीं है, ऐसे हमारा बहुत बुरा हालत है इधर। क्योंकि अफगानिस्तान भी नहीं जा सकते, हालत खराब है, और यहाँ पे भी हमको कोई स्कूल में नहीं रह रहे, कोई किसी को काम पे भी नहीं मिलता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। मेरे परिवार 2005 से यहाँ रह रहे हैं। आप यहाँ क्या डिमांड लेकर आए? हमारी डिमांड ये है कि हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि UNHCR जो है वो सब लोगों को प्रोटेक्शन देते हैं, रेफ्यूजी स्टेटस देते हैं, हमें 15-20 साल से नहीं दे रहे क्यों, और हम पूछना चाहते हैं क्यों, और हमें एक सॉलिड आंसर चाहिए। रक्षाबंधन के मौके पर इंदौर में रविवार को फेरी लगाकर चूड़ी बेच रहे 25 वर्षीय तस्लीम अली को 5-6 लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर नाम पूछकर पीट दिया। घटना का वीडियो वायरल होने पर मचे बवाल के बाद शामिल लोगों के खिलाफ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने तथा अन्य संगीन आरोपों में FIR दर्ज की कर ली गई है। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार दोपहर की है। वायरल वीडियो में समूह में शामिल लोग चूड़ी बेचने वाले व्यक्ति को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है। शहर के गोविंद नगर क्षेत्र की घटना के दूसरे वीडियो में चूड़ी विक्रेता को पीट रहा एक व्यक्ति उस पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए मौके पर मौजूद अन्य लोगों को उसकी पिटाई के लिए उकसा रहा है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता 25 साल के तस्लीम अली ने रविवार देर रात सेंट्रल
कोतावली थाने में शिकायत दर्ज कराई कि गोविंद नगर में 5-6 लोगों ने उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि चूड़ी विक्रेता ने अपनी शिकायत में यह आरोप भी लगाया कि लोगों ने उसके लिए सांप्रदायिक तौर पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया और उससे 10,000 रुपये की नकदी, मोबाइल फ़ोन, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज़ों के साथ ही करीब 25,000 रुपये मूल्य की चूड़ियाँ छीन ली। पिछले 3 वर्षों में अचानक बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन सहित जल मौसम संबंधी आपदाओं ने देश में लगभग 6,800 लोगों की जान ले ली है, जिसमें से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में 14% मौतें दर्ज की गई हैं। लोकसभा में इस महीने की शुरुआत में एक सवाल का जवाब देते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि ऐसी घटनाएं जिनमें से कुछ की वजह से मौतें भी हुई हैं वह ज़्यादातर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में मानसून के दौरान होती हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले के निगुलसारी में 11 अगस्त को भूस्खलन होने के बाद 25 से अधिक शव बरामद किए गए थे। कुछ सप्ताह पहले धर्मशाला के पहाड़ी क्षेत्र में भारी बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ में वाहन तैरते हुए दिखे थे। उत्तराखंड में मानसून के दौरान भूस्खलन और बादल फटना आम बात हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले महीने भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं में करीब 110 लोगों की मौत हो गई थी। इन बारिशों में कई घर भी तबाह हो गए थे। जल मौसम संबंधी आपदाओं में होने वाली मौतों की ऐसी खबरें देश के अन्य हिस्सों से भी आ रही हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की 6वीं अध्ययन रिपोर्ट 6 अगस्त को जारी की गई थी, जिसमें जलवायु परिवर्तन के खतरों का जिक्र किया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में विनाशकारी जलवायु संबंधी घटनाओं की संख्या बढ़ने वाली है। इसलिए सरकारों को चाहिए कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नीतियां बनाई जाएं। दुर्भाग्य से विकास की आड़ में किया गया हस्तक्षेप लोगों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है या उनकी जान ले रहा है। पुणे एल्गार परिषद और भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच कर रही NIA ने गिरफ्तार और फरार आरोपियों के खिलाफ 15 पन्नों का जो ड्राफ्ट तैयार किया है उसमें देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के आरोप तो हैं लेकिन प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश का जिक्र नहीं है। जबकि मामले को उजागर करने वाली पुणे पुलिस ने एक लेटर लीक कर दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजीव गांधी की तरह हत्या करने की योजना बनाई जा रही थी। यह भी कहा गया था कि उसके लिए विदेशों से अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद भी लाने की कोशिश थी। हालांकि NIA ने विदेशों से हथियार और गोला बारूद लाने की कोशिश का जिक्र किया है। एल्गार परिषद मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 15 लोगों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने सहित 16 अपराधों के तहत आरोपित किए गए हैं। इसमें अधिकतम मौत की सजा है। मामले में कुल 16 आरोपी गिरफ्तार हैं और 5 को फरार बताया गया है। ड्राफ्ट चार्ज पर सुनवाई होनी अभी बाकी है। गौरतलब है कि भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में आरोपी फादर स्टैन स्वामी की मौत हो गई है। वो लंबे समय से बीमार थे। स्टैन स्वामी के मौत के बाद अन्य आरोपियों को रिहा करने की मांग तेज हो गई है। इस केस में एक्टिविस्ट सुधा भारद्वाज व अन्य ने जमानत के लिए याचिका लगाई है। भारत में एक दिन में COVID-19 के 25,072 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,24,49,306 हो गई है। वहीं एक्टिव मामलों की संख्या कम होकर 3,33,924 हो गई है, जो कुल मामलों का 1.3% है। करीब 160 दिन बाद एक्टिव मरीजों की संख्या सबसे कम दर्ज की गई है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में 389 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद कुल मौतों की संख्या बढ़कर 4,34,756 हो गई है। इसके साथ ही देश में अभी तक COVID-19 वैक्सीन की कुल 58 करोड़ डोज दी जा चुकी हैं। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। हमारी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। न्यूज़ क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।